हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के लिए घर पर डायपर बनाएंगे। बहुत ही कंफर्टेबल सा, बचे हुए कपड़े से बहुत ही इजीली बन जाता है ये घर पे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये डायपर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कपड़े की ज़रूरत होगी और आपको कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन की ज़रूरत होगी इसको बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने दोनों साइड यूज़ करने के लिए कपड़ा लिया है। तो ये वाला कपड़ा जो है हमारी कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा है, इसी से हम डायपर बनाएंगे। साइड से कपड़ा हमारा थोड़ा सा कट है, लेकिन हमारे डायपर की कटिंग में ये फिट आ जाएगा, इसलिए मैंने इस कपड़े को ले लिया है। यहाँ की जो कटिंग है वो हमें उसमें एडजस्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम कपड़े की लेंथ देख लेते हैं। कपड़े की लेंथ जो है वो 18 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो है 12 इंच, लंबाई 18, चौड़ाई 12। तो ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, हेल्दी बच्चों के लिए इसकी चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ाना होगा। और ये डायपर जो है 6 मंथ तक के बच्चों के लिए है। अक्सर लोग पूछते हैं कि कितने एज के बच्चों के लिए है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक के बच्चों तक यूज़ किया जा सकता है। तो कपड़े को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कर दिया है। अब आप देख सकती हैं कि हमारे डायपर के हिसाब से इसकी कटिंग बिल्कुल सही आ जाएगी, इसलिए मैंने इस कपड़े का यूज़ किया है। तो यहाँ की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है। ये 2 इंच रहेगा तो इसका डबल हमारा 4 हो जाएगा, तो इसी पर हमें कटिंग करना है। और यहाँ की जो लंबाई है ये हमारी है 5 इंच। 5 इंच से थोड़ा सा कम है, लेकिन 5 इंच अगर आप कट करें तो 5 इंच ही इसकी कटिंग करें। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो इसकी मैंने साइड से कटिंग की कर दी है, जो बच्चों के पैर के हिसाब से जो कटिंग होगी। अगर हेल्दी बच्चे हो तो यहाँ की चौड़ाई थोड़ा सा आपको बढ़ानी होगी। अब यहाँ से ऊपर से हम डायपर को 2 भाग में कट कर देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा जॉइंट वाला है तो इसलिए नीचे हमें जॉइंट लगाना होगा। बीच में भी मैंने एक लंबाई में जॉइंट लगाया है, अब ये भी हमें इस यहाँ से जॉइंट करना होगा। इस तरह से एक सिलाई से हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो कपड़े को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसके बीच में हमें पॉलीथीन का यूज़ करना होगा और उसके ऊपर से एक कपड़े का यूज़ करना होगा। तो कपड़ा मैंने सेम साइज़ से लंबाई चौड़ाई में कट कर लिया है। इस कपड़े को भी हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। 4 फोल्ड में इसको करके रखने के बाद फिर ये जो मैंने नेकर वाली कटिंग की है डायपर की, इसको भी हमें सेम उसी के ऊपर इस तरह से सेट करके रख लेना होगा। अच्छी तरह से इसको सेट करके रखने के बाद इसी पर हमें सेम कटिंग को दोहरा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ की कटिंग मैंने कर ली है। अब ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हमें कट कर लेना होगा। तो ये हो गई हमारे दोनों पार्ट के कपड़े की कटिंग, यानी कि एक कपड़ा हमारा नीचे रहेगा, एक कपड़ा हमारा ऊपर रहेगा। तो दोनों कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। अब इन दोनों को इस तरह से हम खोल के रख लेंगे और इन दोनों के बीच में अब हमें यूज़ करना होगा कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन। ये कपड़ा देखिए, ये भी मैंने बीच में जॉइंट किया है। तो ये सारे के सारे बचे हुए कपड़े का मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो बचे हुए कपड़े से आराम से डायपर बना सकती हैं। तो अब ये देख सकती हैं कि ये मैंने पॉलीथीन ली है। कोई भी सूट से निकली हुई पॉलीथीन हो या कोई भी हो, लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके साइड को हम खोल लेंगे। तो इस तरह से मैंने नीचे की साइड से कट कर दिया है। एक साइड से हमें फिर कट लगाना होगा, तब ये सिंगल पार्ट होगी। पॉलीथीन को हमें सिंगल ही यूज़ करना है, क्योंकि डबल पॉलीथीन रहेगी तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह रहेगी, इसलिए मैंने सिंगल पार्ट का यूज़ किया है। वैसे तो चाहे तो बिना पॉलीथीन का भी डायपर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सुसु से अगर बचना हो आपको तो पॉलीथीन का यूज़ करना ज़रूरी होगा। अब चारों तरफ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक कपड़े पर सिलाई लगाने के बाद फिर हम वापस से उल्टी साइड करेंगे और फिर दूसरा वाला कपड़ा हमें सेम उसी पे रखना है और इस पर भी हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट करेंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो भी पॉलीथीन है साइड से निकली हुई या जो भी छोटा बड़ा कपड़ा है, उन सारे कपड़े को हम कट करके बराबर कर देंगे। तो इसी तरह से हम चारों तरफ से घुमा घुमा करके इस पॉलीथीन को कट कर लेंगे और थोड़ा बहुत जो कपड़ा इधर उधर निकला हुआ होगा उन सभी को हम कट कर देंगे। तो इसकी पूरी फिनिशिंग कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर पाइपिंग लगाना होगा दोनों में, और ये हमें जॉइंट लगाना होगा क्योंकि पाइपिंग वाला कपड़ा थोड़ा सा छोटा है। तो जॉइंट लगा करके हम दोनों साइड पाइपिंग लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारी पाइपिंग तो लग चुकी है।
पाइपिंग लगाने के बाद आप देख सकती हैं दोनों साइड से पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने पाइपिंग लगाई है। अब दो पट्टियां मैंने कट की हैं, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच और लंबाई मैंने डायपर की रखी है 12 इंच। तो दोनों साइड हम इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। फिर ये मैंने इलास्टिक ली है, इलास्टिक को हमें दोनों साइड लगाना होगा। इस इलास्टिक की लंबाई है 6.5 इंच, ये बच्चों की कमर के हिसाब से रखी जाती है। इनको हम बीच से कट करेंगे इलास्टिक को और फिर दोनों साइड हम इसको लगा देंगे। अगर आपको चौड़ी इलास्टिक यूज़ करनी है तो इसी साइज़ की एक और इलास्टिक भी लगा सकती हैं, दोनों साइड अलग अलग इलास्टिक। वैसे ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक बच्चों की कमर के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए मैंने पतली करके लगाई है। तो दोनों साइड तो मैंने बेल्ट बना करके तैयार कर लिया है। ये बेल्ट बनाने के बाद ये मैंने पट्टियाँ लगा दी हैं, क्योंकि इसमें जो हमें कपड़ा यूज़ करना होगा वो कपड़ा हमारा इधर उधर से निकल सकता है, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए पट्टी लगाई है। अब ये जो चारों साइड से खुला हुआ पार्ट है इसे हमें इस तरह से पट्टी से सिक्योर कर देना है। चारों साइड हमें पट्टियों को सिलाई करके इस पर फिक्स कर लेना होगा। तो पहले हम इनकी सिलाई करेंगे। चारों साइड के लिए मैंने इस तरह से पतली पट्टियाँ कट की हैं, लगभग 1 इंच की चौड़ाई में किसी को पहले हम सिलाई करेंगे। तो चारों साइड से मैंने पट्टी भी लगा ली है। ये हमारा पूरा डायपर कंप्लीट हो चुका है, बस हमें वेलक्रो लगाना है। तो वेलक्रो जो है ये ऐसा होता है कि दो एक में चिपके हुए होते हैं दो पार्ट, तो इसको पहले हम एक पार्ट को यहाँ लगाएंगे तो दूसरे वाले पार्ट को हम दूसरी साइड लगाएंगे। इस तरह से हमें चार चार पीस लगाना होगा। तो एक हम ऊपर लगाएंगे तो एक हम इसके नीचे की साइड लगाएंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद फिर हम इस तरह से इसको चिपकाएंगे, तब ये फिट बैठेगा। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ इसको लगा लेना है, यानी कि इधर भी चारों तरफ और उल्टी साइड भी चारों तरफ हमें लगा लेना होगा। जिस तरह से मैंने वीडियो में रख करके दिखाया है इसी तरह से हमें वेलक्रो को लगाना है। तो चलिए पहले पूरे वेलक्रो को हम लगा लेते हैं। चारों साइड हम पहले वेलक्रो को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने लगा लिया है वेलक्रो, मैंने बस ऊपर की साइड का इस तरह से दिखाया है, नीचे की साइड भी मैंने लगाया हुआ है वेलक्रो। अब इसमें यूज़ करने के लिए आपको इस तरह की गद्दी बनानी होगी, कोई भी थोड़ा सा मोटी गद्दी बनानी हो, घर में यूज़ की हुई बनियान थोड़ा पुरानी हो उसे भी यूज़ कर सकती हैं, या कोई भी कॉटन का कपड़ा हो उसका भी यूज़ कर सकती हैं, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों पट्टियों के बीच में इस कपड़े को लगाना होगा, फिर बेबी के लिए यूज़ करना होगा। इस तरह की आप 4-5 गद्दियाँ बना ले तो दिन भर आपका काम चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब